में स्लम लाइफ से जुड़ी टेंशन खत्म हो सकती है। इन 7 दिनों में आपको भावनात्मक उतार चढ़ाव से राहत मिलेगी। इस हफ्ते पार्टनर सके साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश रहेगी। इस राशि के अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं। किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो कर दे, समय अच्छा है। वृष, इस हफ्ते आपको लव प्रपोजल मिल सकते हैं। इस सप्ताह लवर और लाइफ पार्टनर की सेहत को लेकर टेंशन रहेगी। आप अपने मन की बात छुपा सकते हैं। पार्टनर की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। सप्ताह के 2-3 दिन लव लाइफ के लिए सामान्य ही रहेंगे। इन दिनों में आप पार्टनर की भावनाएं समझने की कोशिश में रहेंगे। एक्स्ट्रा अफेयर उजागर हो सकते हैं, संभल कर रहे। मिथुन, इस हफ्ते आप पार्टनर के लिए समय निकालने की कोशिश करेंगे। लवर या लाइफ पार्टनर पर खर्चा हो सकता है, इससे आपके संबंधों में मजबूती आ सकती है। लव लाइफ के मामले में नकारात्मक सोच या शक के कारण आप मन ही मन परेशान हो सकते हैं। इस हफ्ते अपोजिट जेंडर वाले लोग आपकी बातों का गलत मतलब भी निकाल सकते हैं, संभल कर रहे, ऐसी स्थिति ना बनने दें। कर्क, प्रेम संबंधों के मामले में आपके लिए समय अच्छा है, लेकिन पार्टनर या लवर से दूरी हो सकती है। इस हफ्ते आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा लेंगे। इन दिनों में आपका आकर्षण बढ़ सकता है। अपोजिट जेंडर वाले लोगों से भी मदद मिलने के योग बन रहे हैं। पुराना प्यार या प्रेम संबंध फिर से शुरू होने की संभावना बन रही है। सिंह, ये सप्ताह मिला जुला हो सकता है। इन दिनों में अपनी भावनाएं किसी को बताने के लिए आप जल्दबाजी ना करें। इस हफ्ते आप प्रेमी से किसी भी तरह की जिद ना करें। इन दिनों में आपके प्रेम संबंध बनते बिगड़ते रहेंगे। अपनी भावनाएं प्रेमी पर थोपने से बचें। पार्टनर के मूड का ध्यान रखें। समय और जगह देखकर बात करना आपके लिए ठीक है। इस हफ्ते आपको अपनी कुछ इच्छाएं मारनी पड़ सकती है। आपसे ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति आपकी ओर अट्रैक्ट हो सकता है। कन्या, प्रेम संबंध को लेकर किसी से विवाद भी होने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह कन्या राशि वाले लोग लव लाइफ पर ज्यादा खर्चा करेंगे। प्रेम संबंधों में किसी भी तरह का बड़ा फैसला लेने के लिए यह हफ्ता ठीक नहीं है। इस सप्ताह आपके दिल दिमाग एक जगह नहीं रहेंगे। पार्टनर के लिए कोई धारणा बनाने से बचें। अपने रिश्ते को समय देने की जरूरत है। लव पार्टनर से सोच समझ कर कोई वादा करें। तुला, ये सप्ताह तुला राशि वालों की लव लाइफ के लिए अच्छा कहा जा सकता है। पार्टनर के साथ घूमने फिरने या मनोरंजन में समय बीतेगा। इन दिनों में आपका मूड भी ठीक रहेगा। लव लाइफ से जुड़े बड़े फैसले करने के लिए समय ठीक है। इन दिनों में पार्टनर आपकी इच्छाएं और मूड का पूरा ध्यान रखेगा, आपकी केयर भी करेगा। तुला राशि वाले लोग इस हफ्ते लव लाइफ में अपनी जिम्मेदारी निभा लेंगे। आप अपने प्रेमी से मन की सभी बातें शेयर कर सकते हैं। वृश्चिक, इस हफ्ते एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहे। आप जल्दी भावुक ना हो। लव लाइफ में मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस हफ्ते सिंगल लोगों की लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ सकता है। इस सप्ताह आप अनैतिक संबंधों से दूर रहे। लवर या जीवन साथी से सोच समझ कर मजाक करें, वरना कोई बात बिगड़ सकती है। पत्नी के साथ मांगलिक कार्यक्रम में जाने के योग बन रहे हैं। खर्चा बढ़ सकता है। इन दिनों लवर या पार्टनर की खुशी के लिए आपको कई मामलों में अपनी इच्छाएं दबानी पड़ सकती है। धनु, धनु राशि वालों के संबंधों में बड़े बदलाव के योग बन रहे हैं। धोखा, अविश्वास, शक का दौर कहा जा सकता है। आपको अपनी आदतों में सुधार करना होगा। भावनात्मक उतार चढ़ाव वाला समय रहेगा। इन दिनों में संबंधों को लेकर कोई भी बड़ा फैसला ना करें। प्रेम संबंध टूटने की संभावना बन रही है। कोई बात या शक रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर सकता है। विवाहित लोगों को मन मार करना होगा।
मकर अपने से ज्यादा उम्र वालों की तरफ अट्रैक्शन बढ़ सकता है। अविवाहितों को नए संबंध मिलेंगे, वहीं शादीशुदा लोगों के संबंधों में भी सुधार होने के योग है। लवर और जीवन साथी पर आपका भरोसा बढ़ेगा। इस राशि के लोग किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो कर दें। ये हफ्ता शुभ है। इन दिनों में गलतफहमी भी दूर हो सकती है। एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा। साथी से दिल खोलकर बात करें। कुंभ, इस सप्ताह कुंभ राशि वालों की लव लाइफ सेटल हो सकती है। रिश्तों में आ रहे उतार चढ़ाव खत्म हो सकते हैं। पार्टनर आपकी भावनाओं और इच्छाओं को समझेगा। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं और उसमें कुछ डिस्प्यूट थे तो वे ठीक हो जाएंगे। इस राशि वालों को इस सप्ताह कुछ ऐसे रिश्ते भी मिलने वाले हैं जो जीवन भर उन्हें हौसला, हिम्मत और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेंगे। इन दिनों में पार्टनर के साथ ज्यादा समय बीतेगा, खर्चा भी ज्यादा हो सकता है। मीन, एक्स्ट्रा अफेयर के मामले उजागर होने की संभावना बन रही है। कामकाज बढ़ने और मानसिक तनाव के चलते पार्टनर से दूरी भी बढ़ सकती है। लवर या लाइफ पार्टनर को लेकर ईमानदार रहना होगा। अपने मन की बातें दबाए नहीं, पार्टनर से हर बात शेयर करने की कोशिश करें। आपकी बातों या व्यवहार से कोई करीबी अपोजिट जेंडर वाला इंसान आपसे प्रभावित हो सकता है। आप पहले से रिलेशनशिप में है और कोई प्रपोजल मिले तो उस पर जरा भी विचार ना करें, तुरंत अस्वीकार कर दें।